तुम्हारे बिना हमारा जीना हराम है। घर से बाहर थोड़ी दिल लगता है। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और यहाँ पर भैया हमारी शैतान बच्ची देखो कैसे देख रही है। शैतान मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में रहती है। 5-10 मिनट में मम्मी आके सरप्राइज देगी बेटी को। एक काम करते हैं, दुबा को ना हम छुपा देंगे, पायल को बोलेंगे ढूंढ, इसको अलमारी में बंद कर देंगे। ठीक है, ठीक है दुबा? मैं इसके साथ अलमारी में बैठ जाऊंगी। अच्छा, अकेले थोड़ी बैठाऊंगी। नहीं, अकेले बैठा देंगे इसको, ऐसे कहेंगे टोकरी में बैठा देंगे कल वाली। ठीक, तो आपने देखा था कि मैं कुलचे लेके आया था पायल के लिए, और कुलचे मैंने बिल्कुल सरप्राइज संभाल के रख दिया। पर पायल की ना मुझे कॉल आई थी कि मुझे ना अमरूद खाना है, तो मैंने बस अमरूद भी ऑर्डर कर दिए, और साथ साथ यहाँ मेरी कॉफी आ गई है। और जैद को मैंने इसको समझा दिया, सुलाइयो मत अभी, ठीक है? अभी नहीं सुलाऊंगी, रात को टाइम से सुलाएंगे। तो भैया जैद की मम्मी आ गई है। एक काम करता हूँ, जैद मम्मी आएगी ना, तेरे को ना इसके नीचे बिठा देता हूँ, इसके नीचे छुप जाइए, ठीक है? मैं बोलूंगा ढूंढो जैद का, ठीक है? तो देखते हैं भाई, पायल गोली इसको ढूंढ पाती है नहीं पाएंगी। अंदर घुसते मैं इसको टेबल के नीचे बिठा देता हूँ। टेबल नीचे बैठ जाएगा ना। तो जैद को हमने टेबल के नीचे बिठा दिया है, और अभी गोलू और पायल जब आएंगी तो तेरे को यहीं से ढूंढेगी, ठीक है? बोलियो मत तू कुछ भी, ओके? छुप के बैठा रहे अंदर, ठीक है? अभी आने वाले लिफ्ट में, एक मिनट हो जाए, तब तक निकाल लूं तेरे को। अच्छा लग रहा है नीचे? अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा नीचे छुप के? हाँ भाई, मम्मी आएगी ना, गोलू मारते तेरे को ढूंढेगी कहाँ है। तूबा को भी यहीं ले आओ। तो पायल और गोलू, अभी लिफ्ट की आवाज तो मुझे आ गई है, शायद 1-2 मिनट में पहुंचने वाली है। एक काम करो, तूबा को भी इसके नीचे लिटा दो। तूबा तो भाग के बाहर आ जाएगी ना, तूबा बाहर आ जाती है, तूबा बाहर आ जाएगी। यार मम्मी आने वाली है, मम्मी मम्मी। तूबा आ जा, नीचे आ जा तू, ठीक है? यहाँ पे तेरे को थोड़ी सी सर्दी भी लगेगी। ये वेरी गुड, वहाँ पे हीटर चल रहा है, मतलब पूरा घर एकदम गर्म है। दोनों बच्चों को मैंने नीचे बिठा के खेल रहे हैं। छुप के रहना, बस आने वाली है मम्मी 2 मिनट में। तूबा तू बाहर मत आइए, तू निकल आती है बाहर। बेटी तूबा बाहर नहीं आना बेटी, ठीक है? अंदर ही रहना है। कहाँ रह गए यार, इतनी देर लगा दी इन्होंने। तो जैद को ना इतने सारे टॉय दे दिए हैं नीचे खेलने के लिए, ये रोए ना। जैद वैसे नीचे खेलते हुए रोता नहीं है, ये देखो। जैद इधर देखो, क्या हुआ? मस्ती चल रही है पूरी नीचे। जब गोलू और पायल आएंगे ना, तो मैं बोलूंगा फटाफट घर में बच्चे ढूंढो कहाँ पर है। तो देखते हैं कि बच्चे ढूंढ पाते या नहीं ढूंढ पाते, उनको क्या पता बच्चे हमारे कब्जे में है। ये देखो जैद, मम्मी आ रही है, सामान तो आ गया, मम्मी का दूसरे कमरे में है। तूबा तू बाहर मत निकलियो बेटा, तू बाहर निकल आती है तो अंदर ही रहियो, ठीक है? वेलकम वेलकम बैक, कैसे हो? ठीक है, दिल लग गया? बिल्कुल दिल नहीं लगा, हम कहीं नहीं लगा। तुमने डराया बच्चे को? चीकू ने डराया? चीकू ने मम्मी आई थी दूर से प्यार करने, आई प्यार करने, बहुत याद आई तुम्हारी। आज के बाद कहीं नहीं जाएंगे तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना हमारा जीना हराम है, नहीं जिएंगे हम तुम्हारे बिना। तुम हमारी जान के छल्ले हो, तुम हमारे पैसे डराते हो। दिल लग गया तेरा? क्या हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो पूरे घर में तुम्हें ढूंढवाने वाला था, पता नहीं तेरी नजर कैसे पड़ी। तेरी पड़ी, अगर मेरे को बोलती ना मैं तो ढूंढती। अच्छा मोबाइल पड़ गया, तेरे को कैसे दिख गया? मां ना अपने बच्चे को बिल में से भी ढूंढ लेती है, ये तो टेबल ही था। उसको तो मिले, आज बेटी आज मैं जानू, आज मैं लाडी। दिल लग गया ना तेरा? अब नहीं जाएंगे हम भाई, अब हम जाएंगे तो हम सब साथ साथ जाएंगे, वरना नहीं। मन नहीं लगता आपको पता, एक 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 घंटा हम सोएगा, ये लगा लो 3 दिन हम सोए, 3 दिन में हम कोशिश ट्राई करें, कैलकुलेशन नहीं 10-12 घंटे सोए 3 दिन में। चलो बस सो जाओ, सोच। ये इतना दिल्ली का लड़का है ना, तो आवाज से रोता ना डराने से रोता, बस भूख लगती तब ये रोता। देखियो इधर देख, पहले नमस्ते करी, कोई नमस्ते भी तो करनी होती है। आशीर्वाद दो, वृंदावन घूम गया ना तू, 2 दिन पता कितना तंग हुए तेरे बिना। तू होता तो और तंग होते, सही क्या? तू घूमने चला गया, मेरी जान है तू। हाँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मी आ गई घर पे? ओहो, ये कह रही मम्मी आ गई, हमारी आजादी छिन गई, हम रात को कैसे जागेंगे? कंप्लेन कर रही है अभी तक। कौन गिनता मिले, किसने लाए चूड़ी? लाई चूड़ी? ओहो, काना जी? काना जी नहीं है, बलराम जी। बलराम जी काना जी के बड़े बड़े भाई। अच्छा अच्छा। ये ना मूर्ति वो करी थी इन्होंने, रविदास जी थे ना जिन्होंने 12 साल तपस्या करके ये मूर्ति ना वो करी थी, अपनी अपनी उससे स्थापित नहीं करी थी, अपने आप निकली थी ये मूर्ति। तो इनका मंदिर है, जब तक इनके दर्शन हम नहीं करते ना पूरे, तब तक हमारे दर्शन करते, तो इनका दर्शन भी हम करके आए। तूबा करे मुझे भी दर्शन कराओ। व्लॉग में दांत दिख रहे तूबा के, भूल गए क्या पायल तेरे को? ये लग तो रहा है, भूल गए पायल। मेरे लिए तो ये सेम है, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तेरे लिए अमरूद लेके आया, कुलचे लेके आया, तूने एक बार बोला मुझे क्या खाना है? किसी ने बोला मुझे? ओए दे ओए, कुलचे खिला, अमरूद खिला। मैंने तो नीचे फूल की इंतजार कर रही थी कि फूल बिछे होंगे मेरे लिए,
तुमने तो बच्चे टेबल के नीचे छुपा रखे है। बच्चे तो पहचान ही नहीं, देखो जैद तो देखो सुनता था, देखा जैद सुन तो रहा है, जैद कोई वो कर रहा है। पायल के एक्सपीरियंस से एक बात साबित हुई है कि अब कहीं भी टूर पे जाएंगे तो एक माँ घर पे रहेगी और एक आदमी बाहर रहेगा, मतलब मैं तो परमानेंट ही बाहर रहूंगा। हाँ, एक बारी में एक माँ जाएगी, दूसरी बारी में दूसरी माँ। आप तो बाहर रहोगे। हाँ, मैं तो बाहर रहूंगा। पर अभी एक दो दिन का हमारा ट्रिप है जिसमें हम तीनों जाने बहुत जरूरी है, तो वहाँ तो हम तीनों जाएंगे। देख ले, इतना ध्यान रखता हूँ मैं तेरे लिए। देख क्या लेके आऊँ। थैंक यू सो मच। ओहो, चटपटे। और ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत खतरनाक है, खा के देख। तू कहेगी कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। वो तो हो ही, तुम बोलने का क्या है। ये तुम्हारे आने का गिफ्ट है। कैसे लग रहे हैं? अब बताइए, बोलो। बहुत टेस्टी है। अच्छे, बहुत अच्छे। जब भी कुलचे खाने में मुझे बताया कर, मैं तेरे को ना एक बार लेके चलूंगा। तू कुलचे खाने स्पेशल वहीं जाया करेगी। अच्छी, आप भी खा के आई। नहीं तो पहले मैं दिल्ली जाके खाती थी। ये दिल्ली वाले से अच्छे हैं कम है? अच्छे हैं, बहुत टेस्टी। सही है। आप क्या कहना चाहते हो बताओ, दोबारा से बोल सकते हो। मैं सोते सोते आया था पूरे रास्ते। कोई बात नहीं, मैं तेरी बातों को सीरियस लेता हूं और मैं उस कमरे में तेरी गेमिंग शुरू कराता हूं। कल इंटरनेट लग जाएगा, उसके बाद आतंक मचा दे गेमिंग में। ठीक है? ठीक है बाबा। पढ़ाई कर और गेमिंग कर, और कुछ नहीं चाहिए तुझे। एक चश्मा ले ले, तीन चार। ठीक है, चीजें सीख। अभी मैं देख के आ रही हूं चश्मा। ठीक है, हाँ देख। बाहर जाना है घूमने। किसको? ये घुमक्कड़ हो गया है, कह रहा है बाहर जाना है। तीन दिन बाहर क्या घुमा ले, ये तो आधी हो गया बाहर का। मैं भी लेकर था घुमाने। आज वो आज हमें लाडी तो जैसे बाहर लेके खुश हो गया था। चल घूमे, चल घूमे, चल गाड़ी में। मेरी पुतेरी, मेरी पुतेरी, अरे मेरी जिंदारी, अरे मेरी उंदारी। सोएंगे पहले, सोएंगे, सोएंगे। लाते की लाई पूरे रास्ते। ये सो सकता है? इसको दूध सो नहीं रहा है। तो देगा, मैं तो ला दूं, मैं तो ला दूं। मेरा मित्र कहाँ देखते, मैं इतने यहाँ हूँ, मैं भूल गया तीन दिन में। जैसे मम्मा, अच्छा मम्मा को बता, मम्मा को क्या खाना है आपने? बर्गर खाना है। फिल्म आ गया, घर आगे दिल लगता पहले। और क्या, घर से बाहर थोड़ी दिल लगता है। वो तो हम दर्शन करने गए थे, चलो बच्चों के लिए हम विश करने गए थे, दर्शन करने। हाँ, सो जा यार। ये तो सोता हुआ आया पूरे रास्ते, अभी कहाँ नींद आएगी। तो फिर तो सूट पे भी जाना पहले। ये भी जाएगा? नहीं, इसका क्या काम है। हाँ, तो ये तो सो जाएगा इसका। हाँ, इसका ये घर पे, इसका कोई काम नहीं। बहुत 6 बजे भाई, बहुत ठंड है वहाँ। 100 किलोमीटर दूर जाने यहाँ से। अब तेरे स्कूल का भी रूटीन होने वाला है शुरू भाई। जितना घूमने था घूम लिया, अब हमारी तू भी जाएगी अगली ट्रिप पे। तू जाएगी जाएंगे इस बार। तो गाइस फाइनली बच्चे सो गए। मैं ना ये जो हमारी लाइट है ना, ये ड्रेसिंग टेबल की, इस लाइट के पास आके व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि बाहर बिल्कुल ना शांति सुनामी है। ठीक है, सुनाना बड़ी मुश्किलों से बच्चे सोए हैं। मैं तीनों बच्चे, जैद को सुलाया मैंने, अयान को सुलाया पायल ने, और तूबा जो है ना भवानी ने सुलाया। निकी क्या हुआ बेटा? इससे पहले मैंने सुलाया था। ओह गाइस सॉरी, निकी ने इससे पहले सुलाया था, वो उठ गया था ना 15 मिनट बाद। तो हमारे पीछे से बहुत अच्छा ध्यान रखा तुमने, सुनने में आया है। बड़े सारे कमेंट आ रहे थे तुम्हारे, अच्छे अच्छे। क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं सर, हमारे बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। 5-5 बजे बच्चे सोए हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। पाल बच्चे इतने शरारती हो गए हैं, क्या कर सकते हैं। इसको देखना, बेखौफ होकर सो रही है। हमारा कसूर नहीं है, ज़्यादा के बर्थडे का कसूर है। हाँ, पाल जब से ज़्यादा बर्थडे से आया ना, तब से वो पागल हो गया। मतलब उसको ना मेंटली और फिजिकली और इमोशनली इतने ज्यादा मतलब फील हो गई है बात कि मेरा बर्थडे बाहर मनाया, तब से वो सो नहीं रहा। नहीं, वो मेंटली फिजिकली और इमोशनली वो डेवलप हो गया है, तो उसकी जो हरकतें अब चेंज हो जाएंगी ना। 9 महीने का हो गया वो। अब क्या वो 4 महीने 5 महीने वाली सब कुछ तो ठीक है, दाढ़ कब आएगी वो अभी कुछ उसका आता पता नहीं है। प्लीज बता दे दांत कब आएगी। वो समाचार वालों से पूछूंगी मैं। तो मैं ये सोच रही हूँ जब शायद के दांत आएंगे ना, तो मैं पूरी सोसाइटी में ना लड्डू बटवाऊंगी। रहने बस, रहने क्यों, रहने दांत आ ही नहीं रहे गाइस। उसके तूबा के आ गए 2 नहीं 4 नहीं 6 दांत आ गए। हमारे यान के 2 दांत आ गए, 6 और 2 8। इसके एक दांत का नामो निशान नहीं, कोना भी नहीं दांत का। जैसे एक किनारा होता है ना, कोई हल्का सा नुकीला, वो तक नहीं है इसके। जबड़ा तो है ना, जबड़ा तो पूरा है। जब जबड़ा है तो दांत भी आएंगे। कब आएंगे? लेट आए। अभी ये चीकू अपना कि 2 साल बाद बोला था। अच्छा, तो ऐसा लगा 2 साल बाद? कुछ बोलता ही नहीं, तुस तुस तुस, बस जूस बोलता था। जूस भी तुस ऐसे करता, जूस ही मांगता था बस। जूस चाहे दूध दे दो, दूध की जगह जूस। तो गाइस घर आते ना मेरे बहुत सारे पार्सल आए थे, तो मैंने सोचा मैं खोल लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पार्सल जो है ये वाला खोला था। ये मैंने मंगाया था नाइका से, और सच में क्वालिटी बहुत 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 प्यारी है। पर साइज जो है मेरा वैसे 37 आता है, पर हर ब्रांड में ना साइजेस अलग अलग होते हैं, तो इसका साइज मुझे आएगा 39, इसलिए मैं इसे कर रही हूँ रिप्लेस। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा। और ये मैंने किसी एक्ट्रेस को पहने हुए देखा था, नाम नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद बताना कि किस एक्ट्रेस ने ये पहना था। तो इसका जो रेट है वो है 2700 रुपीज, और इसको कर रही हूँ मैं रिटर्न। मैं रिटर्न ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, इसकी पैकिंग एज इट इज थी, एज इट इज पैक करके इसे रख देती हूँ। और इसकी जगह मैंने 39 साइज मंगा लिया, जो कि मुझे और गोलू को बिल्कुल फिट होगा, क्योंकि गोलू का 9 साइज भी 39 है, मेरा भी 39 है। तो इसका मैंने कर दिया रिप्लेस, ये हो गया रिटर्न। और एक और पार्सल मेरा आया हुआ था नाइका से,
जो कि मैंने मंगाई थी हील, और ऐसी हील आपने ऑलरेडी मेरी देखी है, तो ये हील आई है ऑल्डो की, जिसकी वैल्यू है 12,000 रुपीज, पर मुझे डिस्काउंट में मिली है 6,000 रुपीज की। और सच में ये बहुत ही ज्यादा सुंदर पैटर्न है, और ये पैटर्न ना मतलब पुराना है, नया नहीं है, ऑल्डो पे अभी ये सेम नहीं मिलेगा। ऑनलाइन अगर आपको चाहिए तो शायद साइजेस में आपका साइज क्या है क्या नहीं है पता नहीं, पर मेरा जो साइज है इसमें मेरा जो साइज आया 5 आया, 5 मतलब 37-38, तो ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट आया, तो ये तो मैं रखूँ। उसके बाद मैंने अर्बानिक से मंगाए थे कुछ जिम के आउटफिट, तो जिम के आउटफिट में सबसे पहले ये वाले स्पोर्ट्स आई है, और ये मैंने गोलू के लिए मंगाई है, इसका साइज है M, इसका प्राइस क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी। उसके बाद मैंने मंगाए हैं ये वाले दो सेट स्पोर्ट्स ब्रा एंड शॉर्ट्स, ये मुझे पड़े 924 रुपीज के, और ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे थे। इसके दो कलर थे, मैंने दोनों कलर लगे ले लिए, और ये मैं गर्मियों में पहनूंगी अभी तो बहुत ज्यादा ठंड है। और एक मैंने अपने लिए स्पोर्ट्स ब्रा मंगाई थी, ये है स्मॉल साइज, और ये कलर मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा था तो मैंने ये भी मंगाई है। और गोलू ने अपने लिए मंगाया है ये वाला शॉर्ट्स, और एक ब्लू कलर का आउटफिट मंगाया है, वो बहुत ही सुंदर है, इसका कलर बहुत ज्यादा प्यारा है। इसके साथ है क्रॉप टॉप, और साथ में है लोअर, ये पड़ा है 1690 मतलब 1700 रुपए लगा लो, और क्वालिटी सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, ये देखिए बहुत मोटी है, सर्दियों में आप आराम से पहन सकते हो। क्या हो गया पहन? कुछ नहीं, दिखा दो सबको। टन टन टन, आधे घंटे की नींद लेके उठ गए मेरा बच्चे, ये तो भी आया उठ के, कन्हैया माखन चोर। तो गाइस पता नहीं बच्चों की नींद को क्या हो गया, सच में पहले ऐसे नहीं थे, पता नहीं ये ना एक हफ्ते से बच्चे इतना बिगड़ चुके हैं ना, इतना बिगड़ चुके हैं ना, इनकी जो नींद है ना इतनी खराब हो चुकी है। ये क्या करते हैं, सुबह सोते हैं और रात को जागते हैं, अब इनका ना रूटीन सही करना पड़ेगा। जो पहला सिस्टम था ना कि रात सोते थे, मतलब ये लगा लो हद मार के 11 बजे 12 बजे सो जाते थे, और बीच में एक आधी बार उठते थे, ऐसे 5-6 बजे एक बच्चा उठ गया, कोई 6-7 बजे उठ गया, मतलब तीनों में से एक बच्चा एक बार उठता था, वही दूध पी के सो जाते थे। अभी पता नहीं क्या हो गया इनको।